has some objectives as well. The first objective of this. We are celebrating the rich and great past of this great country of ours. India, right from the very beginning, if we see India from its ancient times to the medieval to the modern times, it has always been great and diverse. Great in the ये आज का जो दो रोज़ा प्रोग्राम इनाग्रेट हुआ है अभी कोटीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल में, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम पूरे इंडिया में और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मकसद है वो कि लोगों को जो फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए लॉन्च की गई हैं, तो उनकी जानकारी दी जाए लोगों को ताकि वो इस स्कीम का बेनिफिट सही से लें और जो एक जानकारी के एब्सेंस में जो एक वो मिडल मैन कल्चर हो जाता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये प्रोग्राम दो दिन यहाँ पे श्रीनगर में चलेगा और इसमें हमने बेसिकली दो कंपोनेंट्स रखे हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पे हमने एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई हुई है जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को डिस्प्ले किया गया है अलग अलग फ़ोटो पैनल्स के थ्रू। तो बच्चों के लिए बहुत बहुत ही मुफीद है ये। अगर मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि अपने बच्चों को लाए यहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इसमें फ्री एंट्री लेके इसमें एग्जीबिशन को विज़िट कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है, जो मैंने अवेयरनेस की बात की, वो एक जो स्कीम्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे हेल्थ में हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, एग्रीकल्चर में हो, या जो हमारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट स्कीम्स हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी देते हैं, अलग अलग तरीक़ों से देते हैं। उसमें हम जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से हमने एक्सपर्ट नोडल अफसर्स को बुलाया है जो इन स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दें और कहाँ ये स्कीम अवेल करनी है, किस तरह से अवेल करनी है और कौन कौन एलिजिबल हैं, इस तरीके की जानकारी उनको दी जाएगी। और एक और तरीके से हम ये स्कीम की जानकारी जो है लोगों तक पहुँचाने में एक प्रिंटेड पब्लिसिटी मटेरियल हमने प्रिपेयर किया हुआ है, वो हम लोगों को बांटते हैं। तो उसमें जो गाइडलाइंस है या जो स्टेप्स हैं स्कीम को अवेल करने के लिए, वो उनको दिया जाए।